अभी भी आवाजें आती हैं खेलने की, अंदर से आवाजें आती हैं। हाँ जी, खेलने की ऐसे लगता है कि जैसे खेल रहे बच्चे, नहीं खेल रहे होते ऐसे, तो मम्मी पापा खेल रहे हैं। गान लगाने से आवाज आती है कि नहीं आएगी? होगा तो आएगी, मेरी मुझे आती है, रात को आती है। मैं अभी आ सकती है वैसे? बहुत मुश्किल है। इस वक्त जिस दरबार में मैं मौजूद हूँ, इसको मामा भांजा के दरबार के नाम से जाना जाता है। इनके दरबार पे जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है इस वक्त मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ, कहा जाता है जी इस मिट्टी में शफा है, ये शफा वाली मिट्टी है। बाहर से भी आते हैं, गांव से भी आते हैं, कोई यार दोस्त वहाँ पे होता है, हमसाया होता है, अंग्रेज होता है या गैर मुस्लिम होता है, इंडिया से भी लोग आते, सिख आते हैं, सिख लेकर जाते हैं मिट्टी। मामा भी छोटा था, भांजा भी, दोनों छोटे छोटे खेल रहे थे आपस में, ऊपर से बारिश हो रही थी, बिजली गिरी है, इसलिए बुर्ज कहा जाता है इसको। होता नहीं कि जिंदा ही अंदर चले गए, जिंदा अंदर चले गए। हाँ, आपके अकीदे के मुताबिक फोत नहीं हुए? फोत नहीं हुआ, वो खेल रहे हैं, 400 साल पुराना है ये। 400 साल पुराना? हाँ जी। इस वक्त जिस दरबार में मैं मौजूद हूँ, इसको मामा भांजा के दरबार के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इनका कत्ल हुआ था, यह भी कहा जाता है कि इन पे बिजली भी गिरी थी, यानी मुख्तलिफ वाकयात बताए जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है, इनके दरबार पे जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है इस वक्त मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ, कहा जाता है जी इस मिट्टी में शफा है, ये शफा वाली मिट्टी है। लोग लंदन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से इस मिट्टी को लेने आते हैं और इसे अपने जिस्म पर मलते हैं और कहते हैं जी इस मिट्टी को जिस्म पर मलने से शफा मिल जाती है। किस चीज़ की बीमारी का इलाज है? मेरे साथ भाई मौजूद हैं जो इस दरबार की हिफाजत करते हैं और दरबार का साफ़ सफाई का काम भी करते हैं। भाईजान कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे दरबार पे? मेरे को 15-16 साल हो गया। मुझे 15-16 साल हो गए। ये मामा भांजा, ये दरबार का नाम क्यों रखा गया? ये मामा और भांजा दोनों यहाँ पे हैं। ये सगे मामा भांजा थे? सगे मामा भांजा। छोटे जब खेलते अभी भी आवाज़ें आती हैं खेलने की, अंदर से आवाज़ें आती हैं। हाँ जी, खेलने की ऐसे लगता है कि जैसे खेल रहे बच्चे, नहीं खेल रहे होते ऐसे, मामा भांजा खेल रहे हैं जी। आपने अजीब सी बात कर दी है। वैसे आवाज़ें आती हैं, मैं आपको सीबत बात बता रहा हूँ। मैं हमारे होते भी आ सकती हैं आवाज़ें? नहीं देखो, ये अकीदे की बात है, हमारा अकीदा इन पे है, हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या सुनने में आता कि इनका कोई कत्ल वगैरह हुआ था? कत्ल नहीं हुआ। क्या हुआ, क्या था? ये दो छोटे छोटे, मामा भी छोटा था, भांजा भी, दोनों छोटे छोटे खेल रहे थे आपस में, ऊपर से बारिश हो रही थी, बारिश होती है तो बिजली गिरी है, इसलिए बुर्ज कहा जाता है इसको, बुर्ज मामा भांजा। बिजली गिरी उनके ऊपर, गिर गई है। तो उसके बाद फोत हो गए वो। और जिंदा जितने होता नहीं कि जिंदा ही अंदर चले गए, वो जिंदा अंदर चले गए। हाँ, आपके अकीदे के मुताबिक फोत नहीं हुए, वो खेल रहे हैं। अच्छा, कौन लोग मानते हैं? ये आबादी वाले सारे मानते हैं इस चीज़? आबादी वाले मानते हैं, बैरस के लोग आते हैं वो भी मानते हैं, मानते तो लोग आते हैं। कितना अर्सा पहले की ये दरबार है? ये दरबार है तकरीबन मेरे ख्याल 400 साल पुराना है ये। 400 साल पुराना? हाँ जी, आप हिसाब लगाएं सन 1188 हिजरी, ठीक है, इस्लामी साल के मुताबिक अंदाजा करें, आप ये 14वीं सदी आ रही है। आप लोगों के मुताबिक वो अंदर अभी जिंदा है। इस मिट्टी का क्या सीन है, वो क्या कहानी है, कौन सी बीमारियों का इलाज है? ये मिट्टी जो है ना, मिट्टी है, ये बच्चों के कान पेड़े हो जाते हैं, कनुए, जिसको कनुए बोलते हैं, कनुए हो जाते हैं, मिट्टी लेकर जाते हैं पानी में पतली करके लगाते हैं, अल्लाह शिफा देता है, ठीक है ना। इसका कोई हदिया नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई नजराना नहीं। कहाँ से लोग आते हैं? लोग अंदरून शहर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, गांव से भी आते हैं, बाहर से मुल्क से भी आते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार हो, बहन भाई कोई भी बाहर हो तो वो आते हैं, तो कहते हैं यार वो मिट्टी लेकर जाते हैं, उधर लेकर जाते ले जाते हैं, कोई यार दोस्त वहाँ पे होता है, हमसाया होता है, अंग्रेज़ होता है या गैर मुस्लिम होता है, इंडिया से भी लोग आते हैं, सिख आते हैं, सिख लेकर जाते हैं मिट्टी। अच्छा, सिख भी लेकर जाते हैं? आपको लगता नहीं कि हमारा अकीदा इससे वो कमज़ोर वगैरह हो जाता है अल्लाह ताला पे? नहीं, जो दुनिया से चले गया उससे तो हमारा ताल्लुक खत्म हो जाता है। आपके मुताबिक वो कहना आप जिंदा हैं अंदर? आपने खुद कभी आवाज़ें सुनी है? मैंने यकीन से कह सकते। अच्छा, मैं आपको ना अंदर लेके चलता हूँ, अंदर आ जाए। ये वो जाली है जो इधर बिजली गिरी थी, ये इतनी बड़ी दूध है, आपको लगता है कि इसी हाथे में बिजली गिरी थी। अच्छा जी, हम वो दरबार के अंदर एंटर हो रहे हैं जहाँ पर वो इनका अकीदे के मुताबिक यहाँ पर मामा भांजा की खबर है। और अच्छा, ये बचपन में फोत हो गए तो फिर इनको पीर वगैरह कैसे मान लिया आप लोगों ने? ये गिलानी खानदान है, गिलानी शेजन गिलानी है। ठीक है, तो आपने खुद कभी कान लगा के इधर से आवाज़ें सुनी है? मैं रात को यहाँ पे सोता हूँ मैं। अच्छा, आप यहीं पे सोते हैं? अच्छा, इस साइड पे आ जाए ज़रा, लोग कब्र वगैरह भी नज़र आ जाए। मैं यहीं पे सोता हूँ, ये मेरा पंखा, ये मेरा बिस्तरा पड़ा, ये मेरी चारपाई पड़ी। अच्छा, आप इसके अंदर सोते हैं? हाँ जी। सर्दियों में डर खौफ मुझे नहीं आता भाई। नहीं डरते बिल्कुल? नहीं, मैं बाहर सोता हूँ भाई, लेकिन यहाँ पे था। अच्छा, यहाँ पे जो दरख्त लगा हुआ है वो कितने साल पुराना है? वो तकरीबन 250 साल पुराना है।
वो भी 250 साल पुराना है। ये देखभाल मैं करता हूँ, बकाया जो वो गद्दी नशीन है जो सैयदादी है वो जो है ना ये पैसा वगैरह वो लगाती है यहाँ पे। अच्छा वो लगाती है। हाँ, उसका कीदा। हाँ उनका कीदा ज़्यादा उर्स होता है इसका। अच्छा इसका स्पेशल उर्स भी होता है। क्या क्या होता है उसमें? उसमें जनाब मिलाद होता है, वो पहले दिन जनाब 13 रजब को हम केक काटते हैं। केक काटने के बाद 2 दिन लंगर होता है यहाँ पे। लंगर होता है तो लोग यहाँ पे सलाम करने आते हैं, सूरह यासीन वगैरह। हाँ जी सब कुछ होता है, चादर चढ़ाई जाती है इसकी। हाँ जी, यानी आप लोगों का पुख्ता यकीन है, पुख्ता ईमान है इस चीज़ पर। हाँ जी। और भी यहाँ पे हदूद में सुना कि काफ़ी इधर दरबार हैं जिन पे लोग अब जाते हैं। तकरीबन हर गली में दरबार है। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है। बिजली गिरी थी इन पर, इनका कहना है, और उस यहीं पर वो इनके मुताबिक ये वो कब्र है जिसके अंदर इनका कहना है कि वो जिंदा ही हैं, अभी तक मौजूद है। इनका अकीदा है, कान लगाने से, मेरे कान लगाने से आवाज़ आती है कि नहीं आएगी? होगा तो आएगी, मेरी मुझे आती है, रात को वो आती है। मैं अभी आ सकती है? वैसे बहुत मुश्किल है, अभी मुश्किल है। हाँ जी, मैंने कहा मैं भी कान लगा के सुन लूं, शायद हो सकता है मुझे भी आ जाए। आप दिल लड़ाए, दिल में लेकर आए, आपको आवाज आएगी, मुझे आएगी, फिर लाजमी आएगी। हाँ जी, आप अक्सर खेलते हुए उनकी बातें वगैरह सुनी है कभी? आप बातें सुनता हूँ मैं। क्या आपस में बात होती है इनकी? जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, मामा बाप भांजे को आवाज दे रहा, भांजा मामे को आवाज दे रहा होता है। नाम क्या थे इनकी? रहमान शाह गिलानी और उस्मान शाह गिलानी। रहमान मामा थे, उस्मान भांजा थे। ये दो नाम थे इनके? दो नाम थे। ये दो नाम भी बता दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये वो है जहाँ पर कहा जाता है कि बिजली गिरी थी और बिजली के बाद वो ऐसी ज़मीन में जिंदा चले गए, और उसके ऊपर इन्होंने अब ये कब्र बना दिया और इसका दरबार बन गया। और दूसरी साइड पे मिट्टी है जिस मिट्टी को लोग दूर दूर से लेने आते हैं, और ये जाली से वो नज़र भी आ रही है। लोगों का अकीदा है, आपको बताया कि अकीदे के बारे में हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन जैसा लोगों का अकीदा है, अकीदे के मुताबिक लोग चलते हैं। ये वो चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये दिए भी जलाए गए हैं। ये मिट्टी है, यहाँ से मिट्टी ख़त्म हो जाती है तो फिर यहाँ पर दोबारा मिट्टी फेंकी जाती है, दोबारा मिट्टी आती है। इनका कहना है कि महीने बाद, 2 महीने बाद यहाँ पे मिट्टी ख़त्म होती है, फिर हम यहाँ पे ट्राली फेंकवाते हैं, ये ऊपर तक मिट्टी जाती है, कुछ उससे दूर में मिट्टी चले जाती है, और लोग आके रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से मिट्टी लेकर जाते हैं।